फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे कि इस कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान देखने मिलेगा। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर यानी प्रेशियस मेटल से ही करते हैं। तो हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में निचले स्तरों से बाइंग देखने मिली। स्पॉट गोल्ड की बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड होता है, तो वहाँ पर हमने देखा कि $1780 के करीब के जो लोज थे पिछले हफ्ते, उसके बाद हमने 1828 से $1829 तक के हाईज भी देखे। भारतीय बाजारों में भी हमने 47200 के लोज से उभर कर 48000 के करीब के लेवल्स डोमेस्टिक प्राइजेज में यानी एमसेक्स पर देखे। तो एक अच्छी खासी बढ़त के साथ बाजार ने क्लोज दिया है। हालांकि आखिरी कारोबारी दिन हल्की सी मुनाफा वसूली हमने देखी और $1815 के करीब के साप्ताहिक क्लोज के साथ जो स्पॉट गोल्ड है उसने क्लोज दिया है। और वहीं पर अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो 47800 के करीब की क्लोजिंग आई है। हालांकि जो पूरे हफ्ते में एक तेज़ी का रुख डेफिनेटली हमें देखने मिला गोल्ड में। वहीं चांदी में भी हमने देखा कि 62400 के करीब के हाइज दिखे, जहां हमने इसके पहले जो हफ्ते थे वहां पर 60000 के करीब के भी लोज देखे थे। तो जैसे मैंने पहले भी कवर किया है कि 60000 से 59000 की जो जोन है वो एक पोजिशनल सपोर्ट है। वहां पर हमने देखा है कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक डबल बॉटम भी बना चुकी है प्राइजेस। तो इमीडिएट तौर पे एक रैली हमें डेफिनेटली चांदी में देखने मिली है और 61600 के करीब की साप्ताहिक क्लोजिंग भी देखने मिली है। आने वाले दिनों में कोई खास मेजर डेटा नहीं है जो यूएस से उभर के आएगा। हमने पिछले दो हफ्तों में काफ़ी डेटा आते हुए देखे जो काफ़ी हद तक मिक्स थे, जो यूएस इकोनॉमी के बारे में मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, क्योंकि हमने जहां पर जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है उसको उम्मीद से कम बढ़त लाते हुए देखा। लेकिन एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो एक इम्पॉर्टेंट डेटा होता है जो साथ ही आता है नॉन फार्म पेरोल्स के, साथ ही एवरेज अर्ली अर्निंग्स थी जो एक महंगाई दर की तरफ इंडिकेट करती है, या फिर अगर हम इन्फ्लेशन डेटा भी देखें तो 0.5 या 0.6% के आसपास आया है यूएस में। तो काफ़ी मिक्स डेटा रिलीजेस देखी गई थी जिसके चलते हमने डॉलर इंडेक्स में एक साइडवेज टू लोअर सा कारोबार होते हुए देखा, यानी ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए देखा, जिस वजह से गोल्ड को एक शॉर्ट टर्म में तेज़ी की तरफ पुश कर पाई है। ये जो एक फैक्ट है, आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि $1805 यानी डोमेस्टिक मार्केट्स में 47450 से 47500 रीजन में गोल्ड में एक सपोर्ट है, और जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है तब तक अपसाइड में हमें 48200 तक के स्तर देखने मिलेंगे। यानी स्पॉट गोल्ड में हो सकता है कि हम $1845 तक के हाइज देख पाएँ। वहीं पर चांदी में ऐसा लगता है कि जब तक 60,500 से 60,700 के स्तर होल्ड कर पा रही है इमीडिएट तौर पे, तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। अपसाइड में इमीडिएट तौर पर 63,300 का एक लक्ष्य हासिल होता हुआ दिख सकता है, जो एक ब्रेकआउट पॉइंट भी है। अगर उसके ऊपर प्राइसेस चलने लगती हैं तो हो सकता है कि हम 64,500 तक के लेवल भी देख पाए, लेकिन इमीडिएट तौर पर 63,300 का लक्ष्य लेके चला जा सकता है। वहीं अगर हम बेस मेटल्स की तरफ रुक करें तो हमने काफ़ी बढ़िया तेज़ी निकल में आते हुए देखी है, जहां पर 1630 की क्लोजिंग आई है जो काफ़ी हफ्तों की नई ऊंचाई है। वहीं पर हमने जिंक में भी 290 के ऊपर के स्तर छूते हुए देखा, एल्यूमिनियम में 236 के स्तर प्राइसेस को छूते हुए देखा है, और कॉपर में भी 760 के स्तर छूने के बाद 742-743 के करीब की क्लोजिंग आई है। तो हालांकि पिछले दो हफ्तों में हमने अच्छी बढ़त आते हुए देखी है, लेकिन आने वाले एक हफ्ते में ऐसा लगता है कि कॉपर में करेक्शन आ सकती है। कॉपर में 750 से 752 का एक रेजिस्टेंस होगा, और जब तक स्तर नहीं निकलता तब तक 730 तक के स्तर हमें देखने मिलेंगे। वहीं पर हो सकता है कि हमें जिंक में भी 282 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। 288 के करीब की क्लोजिंग आई है, तो यहाँ से करीबन 5 से 6 रुपए की एक गिरावट हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकती है। हालांकि निचले स्तरों से दोबारा बाइंग इमर्ज होगी ऐसा मेरा मानना है।
वही निकल में ओवरऑल तेजी के साथ कारोबार होने की आशंका है। हल्की फुल्की मुनाफा वसूली 1610 से 1605 के बीच देखने मिलेगी, लेकिन उसके बाद 1670 तक जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो निकल फिलहाल सारे बेस मेटल्स में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और उसमें जो डाउनसाइड है वो लिमिटेड रहेगा और निचले स्तरों से दोबारा बाइंग आने की संभावना अच्छी है। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ रुक करें तो हमने कच्चे तेल में शानदार तेज़ी के साथ ट्रेड होते हुए देखा। आपको ध्यान होगा तो हमारी जो चर्चा हुई थी कि यदि 5,800 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड होती हैं तो 6,400 के लिए अभी क्रूड ऑयल रुक कर सकता है, तो वहीं हम देख रहे हैं 6,230 के करीब की क्लोजिंग आती हुई दिखी है पिछले हफ्ते में, और जो हफ्ते का आखिरी दिन था वहाँ पर भी शानदार तेज़ी आई है 6,050 से लेकर 6,230 तक के हाइस बनते हुए देखे। और ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में ये तेज़ी जारी रहेगी। अगर WTI क्रूड की भी बात करें तो ऐसा लगता है कि $86 के ऊपर के लेवल हमें देखने मिलेंगे और भारतीय बाज़ारों में 6,400 का जो स्तर है या जो एक लक्ष्य है वो हासिल होता हुआ दिख सकता है। इमीजिएट तौर पर पोजिशनली 5,900 से 5,880 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत ही नज़दीकी सपोर्ट 6,050 का होगा। जब तक ये दो स्तर होल्ड कर पा रहा है बाजार, तब तक बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है और 6,400 का एक इमीजिएट लक्ष्य लेके चला जा सकता है। वहीं पर हमने नेचुरल गैस में काफ़ी उठापटक के साथ ट्रेड होते हुए देखा, जहां पर 290 से 350 के ऊपर की तेज़ी आते हुए देखी। वहीं जो हफ्ते का क्लोज था वो 315 से 318 के करीब आता हुआ देखा, तो काफ़ी उठापटक देखने मिली है। जो US में वेदर की कंडीशंस है थोड़ी सीवियर होने की आशंका थी, जिस वजह से शॉर्ट कवरिंग हमने नेचुरल गैस में आते हुए देखी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया बाजार और दोबारा स्लाइड होके क्लोज दिया है। तो आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि हालांकि एक शॉर्ट कवरिंग मूव इनिशियली 330 से 332 तक देखने मिलेगा, लेकिन ऊपरी स्तरों पे नेचुरल गैस ज़्यादा टिक नहीं पाएगी प्राइसेस और दोबारा एक करेक्शन हमें 305 तक देखने मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इनिशियल जो रुख है वो ऊपर की तरफ हो सकता है, 330 से 335 की रीजन में प्राइसेस देखने मिल सकते हैं। इसके लिए शुरुआती एक या दो सेशन में बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 335 के करीब बिकवाली करके चलना ज़्यादा फायदेमंद होगा और 300 से 305 तक के लेवल हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं नेचुरल गैस में, ऐसे मेरा मानना है। तो ये था एक जायज़ा कि जो मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ है उसमें क्या रुख देखने मिलेगा। धन्यवाद।